विवाहिता की हत्या की खबर निकली अफवाह, अनजाने में बाप ने की थी शिकायत। सिंगरौली जिले में लंबी जद्दोजहद के बाद पुलिस ने किया खुलासा। घटना को लेकर कप्तान हुए पत्रकारों से रूबरू। बीते रविवार को माड़ा थाना क्षेत्र के करामी निवासी जगतलाल सोनी द्वारा अपनी बेटी एवं पोती की हत्या दामाद संतोष द्वारा कर दिए जाने के आरोप बेबुनियाद निकला है। जाने अनजाने में भी अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है। घटना को गंभीरता से लेते हुए एसपी अभिजीत रंजन के मार्गदर्शन में साइबर सेल एवं माढ़ा बैढ़न की संयुक्त टीम सहित साइबर सेल के जरिए कराई गई खोजबीन में जगतलाल के दामाद बेटी सब के सब जिंदा मिले हैं। पत्रकारों से रूबरू होते हुए एसपी श्री रंजन ने बताया कि उन दोनों को हमने दस्तयाब कर लिया है और अभी आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। इसमें यह मामला खुलकर सामने आया है कि मंजू जायसवाल का की जो शादी है वो संतोष जायसवाल के साथ तकरीबन 7-8 वर्ष पूर्व हुआ था, किंतु दोनों के बीच आपसी संबंध ठीक नहीं। इसी बीच मंजू जायसवाल का जो संबंध है वो एक राम साकेत के साथ स्थापित हो गया, जो कि उसके ससुराल के गाँव का ही रहने वाला था। राम साकेत के साथ जो उसका संबंध स्थापित हुआ, तो वो यहाँ पे विंध्यनगर में उस औरत को 2-2.5 महीने पहले अपने पास लेके आ गया, किंतु चूँकि उसकी शादी पहले से ही हो रखी थी उस साकेत, तो उसने इस बात को छिपाने के लिए कि दूसरे स्त्री के साथ उसका संबंध था, उसने किसी अन्यत्र स्थान पर उसको रखा और सोशल मीडिया पे फोटो वायरल होने के कारण जो है कि सनसनीखेज टाइप का मामला आप लोगों के व्हाट्सएप के माध्यम से और अखबार के माध्यम से ये हमें ज्ञात हुआ। तो हमने इसको चुनौती के रूप में लेते हुए हमारे एडिशनल एसपी साहब, हमारे सीएसपी साहब, एसडीओपी मोरवा द्विवेदी जी, डीआई कोतवाली अरुण पांडे जी, इसी प्रकार हमारा माड़ा से सब इंस्पेक्टर राकेश और हमारी साइबर की टीम और थाने के अन्य कर्मचारियों ने इसमें एक टीम बनाई गई थी हमारे द्वारा, जिसमें 2 दिन के अंदर इस मामले का खुलासा हुआ।